नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज है 9 अप्रैल, आज का मार्केट हम देखने जा रहे हैं निफ्टी के बेस पर, बैंक निफ्टी के बेस पर किस प्रकार का रहा पूरे दिन का मूवमेंट, ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं एडवांस ऑप्शन स्ट्रैटेजी। ये स्ट्रैटेजी आप निफ्टी बैंक निफ्टी ऑप्शन को लेकर यूज कर सकते हो, किसी भी स्टॉक प्राइस को आप एनालाइज कर सकते हो। और जब भी ये स्ट्रैटेजी में आपको कन्फर्म परफेक्ट कॉल मिलते हैं तो उसकी एक्यूरेसी आपको 90% की देखने को मिलती है फर्स्ट टारगेट को लेकर। तो यहाँ पे हम निफ्टी का बैंक निफ्टी का व्यू आज देखने जा रहे हैं। तो सबसे पहले मैंने बैंक निफ्टी का पुट लगा, 22,800 का पुट, आप देख सकते हो। यहाँ पे 5 मिनट का टाइम फ्रेम आपको प्रेफर करना है। तो यहाँ पे आपको एक सिग्नल मिला था 56% बायर्स से, कंफर्म ये कॉल था परफेक्टली, इसने आपको तीनों टारगेट दिए। अब मार्केट यहाँ पे लाइव चल रहा है, आप चेक कर सकते हो 125.24 का रेट यहाँ पे लाइव चल रहा है। ये था पुट साइड का व्यू। और निफ्टी के कॉल साइड की बात करें तो मॉर्निंग का जो मार्केट ओपन हुआ आप देख सकते हो, यहाँ पे गैप अप ओपनिंग आपको देखने को मिली, लेकिन यहाँ पे कोई कॉल जनरेट नहीं हुआ आपको। एग्जैक्टली यहाँ पे कॉल जनरेट हुआ था 9:40 को, ये भी एक कंफर्म परफेक्ट कॉल माना जाएगा। 70% बायर्स थे, परफेक्टली आपको टारगेट दे गया, आप देख सकते हो तीनों टारगेट मिले। तो निफ्टी के बेस पे आपको सिंगल ट्रेड मिला है कॉल साइड, सिंगल ट्रेड मिला है पुट साइड, और दोनों ने आपको टारगेट दी। ये मॉर्निंग के ट्रेड थे, ठीक है। सो ये थे निफ्टी को लेके ट्रेड्स। अब बैंक निफ्टी की बात करेंगे तो बैंक निफ्टी के कॉल साइड में आप देख सकते हो दोनों फेक कॉल बने थे। ऐसे आपको फोर्सफुली ट्रेड नहीं करना है और ऐसे कॉल अवॉइड करके आपको चलने हैं, ठीक है। तो बैंक निफ्टी के कॉल साइड में कोई भी आपको ट्रेड नहीं मिला जो कंफर्म आपको टारगेट देता। हालांकि यहाँ पे फेक कॉल जनरेट हुए थे, इसमें भी आपको टारगेट देखने को मिले, लेकिन इस तरह के कॉल्स की एक्यूरेसी आपको कम देखने को मिलती है। सो हम आपको रिकमेंड करते हैं ऐसे कॉल्स में आप ट्रेड ना करें, ठीक है। बात करेंगे पुट साइड की, तो पुट साइड में भी आप चेक कर सकते हो, मॉर्निंग से लेके आफ्टरनून तक कोई भी ट्रेड नहीं था। एकमात्र जो ट्रेड बना था आप देख सकते हो 12:30 बजे ये ट्रेड आया था, कंफर्म परफेक्ट ये ट्रेड था और परफेक्टली इसने आपको एग्जैक्टली फर्स्ट टारगेट दिया और उसके बाद मार्केट नीचे आया। सो जैसे हम हमेशा बताते हैं कि आपको ओनली कंफर्म परफेक्ट कॉल में क्यों ट्रेड करना है, क्योंकि आपको उसकी एक्यूरेसी मैक्सिमम मिलती है और फर्स्ट टारगेट आपको इजिली रिटर्न देता है। तो यहाँ पे भी आप चेक कर सकते हो 240 की आपकी एंट्री बनी थी और इजिली 259.20 का आपका जो टारगेट था इजिली यहाँ पे अचीव हो गया और हाई आपको देखने को मिला 262.70 का। तो इस तरह से बैंक निफ्टी के पुट साइड में आपको ट्रेड मिला, बैंक निफ्टी के कॉल साइड में कोई भी कंफर्म ट्रेड नहीं मिला जिसमें आपको ट्रेड करना चाहिए था, ठीक है। और अगर बात करेंगे निफ्टी के साइड, तो कॉल साइड पुट साइड दोनों में आपको सिंगल सिंगल ट्रेड मिला जो कंफर्म परफेक्ट था, जिसने आपको टारगेट दिए। अब मैं आपको ये चीज बताने जा रहा हूँ कि किस तरह से ये स्ट्रैटेजी आपको हेल्प करती है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको कॉल को एनालाइज करना होता है। तो सिग्नल का एनालिसिस आप कैसे करते हो, तो आपको उसके लिए एंड ऑफ द कैंडल ट्रेड करना होता है। मतलब जब भी आपको सिग्नल आते तो यहाँ पे ग्रीन कलर के एरो दिखाई देंगे, ठीक है, इसका इंडिकेशन बाइंग का बनेगा। आपको एंड ऑफ द कैंडल ट्रेड करना है, मतलब कैंडल क्लोजिंग पे आपको कुछ पैरामीटर्स देखने होते हैं, जैसे कि वॉल्यूम, वॉल्यूम ग्रीन होना चाहिए, बायर्स के परसेंटेज सेलर से ज्यादा होना चाहिए, 50 एंड अबव होनी चाहिए, ठीक है। थर्ड थिंग, आपको कैंडल का कलर देखना है, ये ग्रीन रहे। और लास्टली आपको देखना है स्टॉप लॉस की लाइन, येलो कलर से आप देख पा रहे हो, ये हमारे कैंडल के नीचे होनी चाहिए। तो ये सारे पैरामीटर जो भी कॉल फॉलो करता है वो कॉल कंफर्म परफेक्ट माना जाता है और ऐसे ही कॉल में आपको टारगेट देखने को मिलते हैं। सो यहाँ पे आज की भी बात करें तो टोटल आपको 3 कॉल मिले जो तीनों कन्फर्म परफेक्ट थे और तीनों में आपको टारगेट्स मिले जो मैंने आपको दिखाया। तो यहाँ पे पुट साइड में एक ट्रेड मिला, कन्फर्मली आपको टारगेट दे गया। कॉल साइड में आपको एक ट्रेड मिला, ये कॉल भी कंफर्म परफेक्ट था, इसमें भी आपको टारगेट्स मिले। और बैंक निफ्टी के पुट साइड में अगेन एक आपको कॉल मिला, रिसेंट का ये कॉल था और इसने भी आपको कंफर्म परफेक्टली टारगेट्स दिए। सो इस तरह टोटल आपको 3 कॉल मिले जिसमें आपको टारगेट्स मिले। अब कॉल्स के अलावा आपको कुछ एडवांस इंडिकेशंस भी सॉफ्टवेयर देता है, वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। जिस तरह से इसका नाम है एडवांस ऑप्शन, तो इसमें क्या एडवांस चीजें है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे कलर कैंडल्स आपको दिखाई देंगी, इसका भी कुछ मीनिंग रहेगा। तो यहाँ पे आप अगर चेक करें तो बाय कॉल आने से पहले यहाँ पे लाइट ग्रीन कैंडल से आपको दिखाई दे रही है, इसका मतलब क्या बनता है, ये एक्युमुलेशन फेज डिनोकेट करता है। मतलब यहाँ पे आपके जो बायर्स होते हैं, फ्रेश बायर्स होते हैं, ये आना स्टार्ट कर देते हैं, तो ये फेज आपको यहाँ पे डिनोकेट होता है। सो इस इंडिकेशन का आप यूज इस तरह कर सकते हो कि जब भी बाय कॉल आना स्टार्ट कर दे उसके पहले अगर ये कैंडल्स आपको दिखाई देती तो आपको अलर्ट रहना है, आपको एंट्री के लिए वेट करना है। आपको एंट्री तभी करनी है जब कॉल कन्फर्म होता है, बट ये कैंडल्स के माध्यम से जो आपको यहाँ पे इंडिकेशंस मिलते हैं वो आपको काफी हद तक हेल्प करते हैं मार्केट को एनालाइज करने को लेके। सो इस तरह से ये एडवांस ऑप्शन स्ट्रैटेजी वर्क करती है, काफी बेहतरीन वे में ये आपको गाइडेंस प्रोवाइड करवाएगी। आप अगर इस स्ट्रैटेजी का लाइव डेमो देखना चाहते हो तो आज ही स्क्रीन पे दिए नंबर पे आप मुझे कॉल कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में आपको वेबसाइट की लिंक मिल जाएंगी, वहां जाके भी आप रजिस्टर कर सकते हो ताकि हमारा एग्जीक्यूटिव आपको कॉल करके ये सॉफ्टवेयर का लाइव डेमो अरेंज करवा देगा।
मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और इसी तरह के वीडियोज़ आगे देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।